एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट टू। जिसने भी इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो मेरी ना देखी हो, पार्ट वन ना देखा हो, वो जरूर देख ले। बिकॉज यदि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखेंगे तभी आपको सारी क्लासेस समझ में आएंगी और आप एक अच्छे लैंग्वेज के जानकार हो पाएंगे। मेरी ये क्लासेस बिगनर्स के लिए हैं, इसलिए आप लोग एक भी क्लास हमारी मिस ना करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तथा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज के यूजेस क्या हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार किस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों होती है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, तथा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान देंगे आप, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972। मैंने पिछली वीडियो में सारी थ्योरी आपको बताई हुई है, बट आज मैं रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे यदि आपको थ्योरी बनाना हो, नोट डाउन करना हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप ध्यान देंगे, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972। इट वाज मेनली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज इंक्लूड लो लेवल मेमोरी एक्सेस, a simple set of keywords and clean style. These features make C programming suitable for system programmings like an operating system or compiler development. Many later languages have borrowed syntax features directly or indirectly from the C language, like syntax of Java, PHP, JavaScript and many other languages are mainly based on the C language. आपने देखा पिछली वीडियो में मैंने आपको ओरली बताया हुआ था कि C programming language एक general purpose language है, जो कि एक structured oriented programming language जिसे mid language भी कहते हैं। इसमें low level language तथा high level language के features available होते हैं। तथा C programming language को 1972 में डेनिस रिची जी ने develop किया हुआ था। और C programming language एक ऐसा basic language है, mid language है, जो कि इसके जो features के जो syntax हैं, वो लगभग अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की पढ़ाई आप आगे करेंगे या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके सिंटैक्स मैच करते हैं। चाहे आप जावा में प्रोग्रामिंग करिए, चाहे आप पीएचपी में करिए, .NET करिए या C++ में करिए, तो इसके फीचर्स वहां अवेलेबल मिलते हैं। इसलिए बेसिक में आपको अगर फर्स्ट कोई लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो सी लैंग्वेज उसमें आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये है आपका रिटेन फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के यूजेस क्या हैं और हम उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। ये जो क्लासेस है मेरी, ये थ्योरी क्लासेस, थोड़ा सा डीप में हम जा रहे हैं, जिससे आपको सी लैंग्वेज का यूज क्या है, सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, इसका कंप्लीट आपको नॉलेज हो पावे, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम ये स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं और आपको ये समझ में आए कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई क्यों करते हैं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के यूजेस क्या है। तो हम देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की उपयोगिता क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं। आपको ये मालूम हो, मैंने पीछे भी आपको बता रखा है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जरूरत होती है हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कंप्यूटर की भाषा की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। इसका कंप्लीट नॉलेज लेना है तो हमारी पिछली पार्ट वन की वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की आवश्यकता क्या है।
तो इसका हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस को जनरेट करने के लिए, मेनी टाइप्स एप्लीकेशंस को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी में जो मेन प्रकार है लैंग्वेजेस के माध्यम, जो कंप्यूटर लैंग्वेज से जो एप्लीकेशन डेवलप होते हैं वो टू वे में होते हैं, एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है और एक वेब एप्लीकेशन होता है। अब ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या है और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंसेस है उसको मैं आपको समझाता हूँ। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, इसको आप ऐसे समझ लें, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको इंस्टॉल करना जरूरी है वो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन कहे जाते हैं, तथा स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस कंपेटेबल फॉर सिंगल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल ओएस मतलब सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपेटेबिलिटी होती है जिनकी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके लिए आपको हमारा कंप्यूटर बेसिक कोर्स का जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर के यदि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देख लेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा, तो आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उसके माध्यम से ड्राइवर सॉफ्टवेयर, एक एम्बेडेड प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उसमें सॉफ्टवेयर किया गया होता है, उसमें जो प्रोग्राम किया गया होता है, उसमें जो ड्राइवर्स डाले जाते हैं वो सी प्रोग्राम के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसका कंप्लीट नॉलेज आपको लेना है तो बेसिक्स का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके लिए आप मेरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का प्लेलिस्ट ओपन करके स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो आप स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को ऐसे समझें, इसमें विदाउट इंस्टॉल किए हम एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कंपेटेबल टू सिंगल ओएस, सिंगल ओएस पर ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप मेरा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में बहुत सारी वीडियोस मैंने दे रखी हैं वहां से जाकर के आप उसको कंप्लीटली जान सकते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिस पर आपका कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड करता है, जिस पर आप उसकी हैंडलिंग करते हैं। कंपेटेबल टू सिंगल ओएस, सिंगल ओएस सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपेटेबल होता है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंस ये है कि मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस में, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड, इन सब टाइप के कई सारे अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, सब में अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉलेशन मस्ट होता है। विदाउट इंस्टॉलेशन हम स्टैंडअलोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे हम बिना इंस्टॉल किए हैंडल नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपके स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है, मस्ट बी इंस्टॉल, इंस्टॉल करना जरूरी है। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप एमएस ऑफिस आप जान रहे होंगे, एमएस ऑफिस है, आप कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं चाहे वो क्रोम हो, आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो, ये सारे एप्लीकेशन, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर या कोई भी मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस हैं जिन्हें विदाउट इंस्टॉल के आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो सब स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस कहे जाते हैं। जैसे आपका है एमएस ऑफिस, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है, आप इसको इस तरह से समझें, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन जो होते हैं उनको सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है फिर हम उसको यूज कर पाते हैं। और ये एप्लीकेशंस जो हैं वो सिंगल ओएस पर वर्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सिंगल ओएस को सपोर्ट करते हैं। अगर हम एमएस ऑफिस फॉर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला सकते हैं। ये है आपका स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन मैंडेटरी है, विदाउट इंस्टॉलेशन के आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते।
और अगर आप वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो वेब एप्लीकेशन में कोई भी इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वेब एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, उसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी बैंकिंग की वेबसाइट यूज करते हैं, चाहे वो SBI हो या आप रेलवे की वेबसाइट देखते हैं, IRCTC है, जीमेल है, याहू है, गूगल है, फेसबुक है, ये सब आपके वेब एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। कभी भी आप फेसबुक यूज करते हैं या फिर आप गूगल ओपन करते हैं या फिर जीमेल पर अपना कोई भी मेल आईडी क्रिएट करते हैं, याहू पर आप कोई भी काम करते हैं, वाईमेल आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, उसको डायरेक्टली आप ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं उस पर। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये इंडिपेंडेंट टू OS, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी OS पर इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन जो होते हैं उनके लिए हमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होता है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज किया जा सकता है, चाहे हम मैक यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या iOS यूज कर रहे हो, उस पर हम ब्राउज करके, कोई भी ब्राउजर में ब्राउज करके जीमेल ओपन कर सकते हैं, फेसबुक ओपन कर सकते हैं, हम गूगल ओपन कर सकते हैं, याहू ओपन कर सकते हैं, हम रेलवे की साइट यूज कर सकते हैं, रेडबस यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी साइट हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो वेब एप्लीकेशन कहे जाते हैं। वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल्स में आप देख लेंगे गूगल, जो आपके बहुत सारे वेबसाइटें हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज करते हैं, तो ये दोनों ही कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से क्रिएट किए गए होते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के यूजर्स क्या हैं, इनके माध्यम से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। टू टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, स्टैंडलोन एप्लीकेशन कहे जाते हैं जो कि आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे, और स्टैंडलोन एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल OS के लिए वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अगर हम विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए हमने MS Office को डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर हम उसको मैक में चला रहे हैं या iOS में चला रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। और अगर हम वेब एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इंस्टॉलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और वो स्वतंत्र OS होते हैं, उन पर OS का कोई बाध्यता नहीं होता है, उसको हम किसी भी OS पर चला सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में मैंने दिखाया, स्टैंडअलोन में जैसे MS Office है, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट यूज करना है तो ब्राउजर्स में मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, इस टाइप के जो भी ब्राउजर्स हैं जिसके आप इंस्टॉल करने के बाद उसको आप यूज करते हैं, बिकॉज इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो ब्राउजर्स होते हैं वो एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होते हैं, उनको आपको इंस्टॉल करना होता है, फिर आप उस पर काम कर पाते हैं। फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। वेब एप्लीकेशंस में मैंने बताया आपको कि ऐसे वेबसाइट्स जो जनरेट की जाती हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो डायरेक्टली आप ऑनलाइन होकर के ब्राउजर के अंतर्गत आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो गूगल हो या वो फेसबुक हो, IRCTC हो, बैंकिंग की कोई भी साइटें हो, ये सारी चीजें आपकी वेब एप्लीकेशंस में आती हैं। तो ये है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज क्या है, इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और वह सॉफ्टवेयर दो तरीके से होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क होता है इसके माध्यम से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तथा इंटरप्राइजेस के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं तथा मेनी टाइप गेम्स, गेम लाइब्रेरी क्रिएट की जाती है। तो ये कुछ यूजेस हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। एक मैंने आपको एग्जांपल फॉर्मेट में समझाया जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि कंप्यूटर लैंग्वेज का हम इस्तेमाल किस किस सेक्टर में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।